ओके, आज हम ईनम को डिस्कस करेंगे या जानने की कोशिश करेंगे ईनम क्या है, इसको यूज़ किस तरह करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। ओके, ईनम बेसिकली ना एक आपकी कस्टमाइज्ड टाइप है। जिस तरह इंटीजर है आपके पास, फ्लोट है, ये डिफ़ॉल्ट टाइप है, लेकिन आप अपने भी टाइप बना सकते हो। सेकंड ये है कि इसका फ़ायदा क्या है, इसको यूज़ किस लिए करते हैं। इसको यूज़ हम इसलिए करते हैं प्रोग्रामिंग के दौरान ना, कुछ डेटा इस तरह होते हैं जो कि कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कि जिस तरह आपके जेंडर है ना, तो जेंडर दो तरह के हैं, या तो मेल है या फीमेल है, या और भी आपने इंक्लूड करने हैं तो आप कर लो, गे है या लेसबियन है, ठीक है। इसी तरह आपके पास वीक के डेज हैं तो वो 7 है, कॉन्स्टेंट है, इसके इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मंडे ट्यूसडे से लेके संडे तक। इसी तरह आपके पास डे एंड नाइट है, तो आपके पास या डे है या फिर आपके पास नाइट है। तो ये जब कॉन्स्टेंट आपने एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करने होते हैं तो आप ईनम डिफाइन कर लेते हो। तो हम ऐसा इनम बनाते हैं जो कि जेंडर का कंट्रोल करेगा। ओके, तो वो लेके हम यूज़र से पूछेंगे, आप अगर आप मेल हो तो 0 प्रेस करो, अगर आप फीमेल हो तो 1 प्रेस करो, और इस तरह सो ऑन सो फोर्थ। तो मैं इनम बनाता हूँ, इधर लिखता हूँ जेंडर और इधर लिखता हूँ मेल, फीमेल, गे, लेसबियन। ओके ओके, यहाँ पे मैं आता हूँ और मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखता हूँ। अभी मैं यूजर से वैल्यू नहीं लूँगा, अभी मैं खुद ही मैनुअल लिखूंगा ताकि ईजी आपको समझ आए। फिर हम स्टेप टू में जाएंगे, पहले स्टेप वन को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर स्टेप टू की तरफ मूव करेंगे। स्ट्रिंग नेम अली असद, ठीक है, और जो मेरा जेंडर है, जी इक्वल टू, जेंडर कंप्लीट लिख दो आप। जब आपने इसको वैल्यू देनी ना, तो आपने क्या करना होता है, आप जेंडर कंप्लीट लिखते हो जो उसका टाइप का नाम है, उसके बाद आप आगे डिफाइन कर दो कि आपका जेंडर कौन सा है, यानी कि आप मेल, फीमेल, गे, लेस्बियन कौन हो। तो मैं मेल हूँ और मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इसी तरह जब मैं कंसोल डॉट राइट लाइन जब यूज़ करूँगा, तो उसके अंदर मैं एक नाइस सा मैसेज प्रिंट करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ कि माई नेम इज़ 0 एंड आई एम मेल। तो मैं इधर लिखूंगा नेम और जेंडर सिंपल लिख दूंगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, जैसे मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूंगा तो वो मुझे बता देगा कि माई नेम इज अली एंड आई एम मेल। तो इधर आप कुछ चीज़ें आप गौर करें कि जो वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा ना, वो असल में ये वाली वैल्यू होगी, MALE सेम लिखा आएगा। ओके, अब स्टेप टू की तरफ मूव करते हैं इनम को मजीद समझने के लिए। ओके, सबसे पहले ये कि इनम हमेशा स्टार्ट होता है 0 से, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, ठीक है। तो मेल की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो 0 है, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हो। चेंज हम स्टेप 3 में करेंगे जब हम स्टेप 2 क्लियर कर लेंगे। तो मैं यूज़र से ये सारी वैल्यूज लूँगा, ठीक है। यूज़र को मैं कहता हूँ कि इसको भी डिलीट करो, यहाँ पे आ जाओ। ओके ओके, यूज़र योर नेम, प्लीज़ एंटर योर नेम। तो लाइन यहाँ से रिमूव करते हैं, यू नो व्हाई। ओके, नेम इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, इसी तरह हम लिखते हैं प्लीज़ एंटर योर जेंडर, नहीं, इसका मैसेज ज़रा अच्छा सा लिखते हैं हम, कि 0 फॉर मेल, 1 फॉर फीमेल, 2 फॉर गे एंड, सॉरी, 2 फॉर गे एंड 3 फॉर लेस्बियंस, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा जेंडर। अब देखिएगा कि इसको मैं किस तरह यूज़र से वैल्यू इनपुट लूँगा। यूज़र से मैंने ना इंटीजर वैल्यू लेनी है। जब इंटीजर वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, चलो तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, ठीक है। इधर मैं लिखूँगा इंट, इंडेक्स कह लें आप, इक्वल टू इंट डॉट पार्स, क्योंकि ये इंडेक्स है ना, जिस तरह मेल का इंडेक्स है, एक 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऊपर वैल्यूज भी शो हो रही हैं। इधर लिखूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन। ओके, डन हो गया। फिर मैं क्या करूँगा, इधर मैं लिखूँगा जेंडर। अब वो जो इंटीजर वैल्यू है ना, उसको मैं जेंडर में कन्वर्ट कर दूंगा। वो करने के लिए आपको क्या करना है, इधर लिखो इंडेक्स लिखो, ठीक है, जो इंटीजर वैल्यू आपने ली है। अभी देखो वो स्टोर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो कह रहा है ये इंटीजर है,
और वो इसकी टाइप जेंडर है, ठीक है। इंटीजर टाइप जेंडर में नहीं सेव हो सकती डायरेक्टली, आपको उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है। आप इधर क्या करो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग आप ब्रैकेट लगाओ और यहाँ पे आप उस टाइप का नाम लिख दो एनम का जेंडर। अब जैसे ही आप नाम लिखोगे ना, तो वो क्या करेगा, अगर आपने ज़ीरो लिखा है ना, तो वो ज़ीरो जब जेंडर की फॉर्म में जाएगा ना, तो उसको पता चलेगा हाँ ज़ीरो का मतलब मेल है, तो वो जेंडर में मेल सेव कर देगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल F5 प्रेस करता हूँ, तो प्लीज़ एंटर योर नेम अली, और मैं इधर से सेलेक्ट करता हूँ ज़ीरो फॉर मेल, और देखें इसने मुझे कह दिया कि माई नेम इज़ अली एंड आई एम मेल। ओके, आपने अगर मज़ीद इसको अंडरस्टैंड करना है, तो आप चाहते हैं कि मेल की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट ना हो, बल्कि मैं चाहता हूँ कि वन से स्टार्ट हो, तो आप वो वैल्यू देख सकते हो, कस्टमाइज ही आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको वन दे दो, ठीक है। आप जब आप इसको वन दोगे ना, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगी। पहले ज़ीरो थी तो अब इसकी वैल्यू वन थी, अब वन है तो अब इसकी वैल्यू टू हो चुकी है। इसी तरह अगर आप इसको टू दे दोगे ना, तो फीमेल की वैल्यू थ्री हो जाएगी, और गे की वैल्यू फोर हो जाएगी, लेस्बियन की वैल्यू फाइव हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको एनम को यूज़ करना आया, तो सीखने को मिला आपको कि एनम हम यूज़ क्यों करते हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपको एनम का यूज़ करना सिखाऊंगा स्विच के साथ, क्योंकि इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत कमाल है जो विजुअल स्टूडियो में देता है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। इस वीडियो में अगर आपको सीखने को मिला है, तो प्लीज़ आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।